बेस्ट विशेस देने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं और आज उनका बर्थडे है तो मौका मिलता है ना किसी को स्पेशल फील कराने का। वैसे हम मिल नहीं पाते हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, बट ऑब्वियसली सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, तो आज का दिन थोड़ा टाइम निकाल के मिलना बनता है दोस्त को, थोड़ा स्पेशल फील कराना। एक छत के नीचे बहुत सारे कॉमेडियन हैं, मैं पंजाब हो गया कहे तो। हाँ एक्चुअली नहीं, आई लव पंजाबीज, और गोपी जी ने जिस तरह से मुझे बुलाया था और वो बहुत वार्म वेलकम करते, सबसे उनका बहुत सालों से वो इंडस्ट्री में सबसे उनका अच्छा रिलेशन था, ऑब्वियसली बनता है, सब लोग आएंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। रियल लाइफ में किस तरह के इंसान हैं गोपी जी? वो ऐसे ही है जैसे वो दिखते हैं लोगों के सामने, और वो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग टू डू। मतलब किसी को आप मुस्कुराहट जो आप दे सकते हो, ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है मुझे लगता है। तो बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। मैं अभी ग्रेट ग्रैंड मस्ती कर रही हूँ रितेश के ऑपोजिट, और फिलहाल मैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी दिखने वाली हूँ बहुत जल्द। कल कॉमेडी नाइट बचाओ बहुत डिफरेंट शो है, ऑब्वियसली कॉमेडी है, बट जैसे कि नाम सजेस्ट करा कॉमेडी नाइट्स बचाओ, तो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत हटके है एक्चुअली। अभी तो नहीं बता बता सकती, और जो भी वहाँ पे आएगा ये ज़रूर बोलेगा कि बचाओ। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहिए, और हम भी कोशिश करेंगे आपको आगे भी ऐसे एंटरटेन करते रहें। थैंक्स नीलू जी। नीलू जी गोपी जी का और मेरा बहुत पुराना साथ है, हमने तकरीबन ऑफ कोर्स गोपी जी मुझसे सीनियर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, एज के बारे में मैं कह नहीं सकती, लेकिन वैसे मुझसे सीनियर हैं, पर हम लोगों ने जी पंजाबी एक के काफ़ी शोज़ किए एक साथ, और बहुत सारे शोज़ रमन जी के साथ हमारा एक शो आता था, एक रवि राय के साथ शो आता था, फिर हमने नवनीत का मतलब काफ़ी शोज़ किए उस टाइम, तो अनगिनत शोज़ किए एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि तब तो शुरुआत थी चैनल की। उसके बाद बहुत साल तक कोई काम नहीं किया, अब बहुत साल बाद मिले, ऑफकोर्स मिलते रहते थे पर काम नहीं किया एक साथ। एज अ गेस्ट आए हैं उनकी, उनको शुभकामनाएँ देने के लिए। कहना चाहेंगे इस पार्टी अपने आप में खास है, आज कुछ पुराने मित्र दोस्त मिले हैं आज, बहुत कुल जी बहुत सालों बाद मिले हैं, शैलेंद्र जी बहुत साल बाद मिले हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट एवरीबॉडी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या हैं? मेरे अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तो ख़त्म हुआ है, अभी तो सांस भी नहीं लिया ठीक से, अभी सांस तो ले लूँ फिर सोचूंगी। ओके में हो रहा है, लेकिन ये बहुत खराब डायलॉग बोला मैंने। एनी वे भाई गोपी जी का बर्थडे है तो अब ऑफ कोर्स मेरा आना तो जरूरी है,
और हर साल हम लोग सेट पे केक काटते थे। आज गोपी जी ने, क्योंकि शो अब नहीं रहा तो अब शानदार पार्टी गोपी जी ने दी है। वेरी नाइस गोपी जी। एनी रिमेम्बरेंस ऑफ द शो विद हिम? एनी, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ यू नो मेमोरीज विद हिम। इट्स 9 years के एक साथ को आप एनी रिमेम्बरेंस नहीं कह सकते जिंदगी। आई थिंक मरते वक्त भी मुझे कुछ ना कुछ किससे कहानियाँ याद ही आएंगे FIR के। और हर साल यूजली इनके हम सेट पे ही बनाते हैं बर्थडे, बट आई एम सो ग्लैड दैट ही केप्ट दिस वंडरफुल पार्टी एंड एवरीवन विल हैव अ गुड टाइम। कितने साल के हो गए? देखिए गोपी जी, ये बताएंगी ज़ारा? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए गोपी जी का जैसा कैरेक्टर था शो में, बहुत ही लड़की, खूबसूरत लड़की को देखकर दिल उनका मचल जाता था, तो इसलिए मैं अपनी दोस्त को आज साथ में लेके आई कि एक बड़ी सुंदर लड़की को गोपी जी के बर्थडे पार्टी में ले जाती हूँ, तो आई थिंक उनकी जो उम्र है वो कम हो जाएगी। सो इसको देख के उनकी उम्र और आई थिंक हाफ कम हो गई है। सो बिल्कुल, हाय बेबी। कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअली। Dragging me into it. Yeah. देखिए फिलहाल तो हम लोग अपनी जिंदगी को इंजॉय कर रहे हैं, इस हॉलीडे को, बाकी अलग अलग काम कर रहे हैं। मैंने हाल ही में बहुत सारी डांसिंग की, तो बड़ी नई नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ऑफकोर्स FIR एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र जो हम सब ने इंजॉय किया, एक अमेजिंग जर्नी। हर एक एक्टर इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि एक इतना मज़ेदार प्रोजेक्ट एक लंबे समय तक करे, एक कंफर्ट हो और कमाल के यू नो कैरेक्टर्स जो मैं अलग अलग प्ले करती थी, इट वाज वेरी फुलफिलिंग। सो आई एम वेरी सेशिएटेड, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं उस शो से। मुझे उसे दोबारा season 2 करने की भूख नहीं है, तो जब भूख लगेगी देन वी विल आंसर द हंगर। यार ये बहुत इजी लाइन थी, तो बिना पढ़े भी बोल सकता था। इनके खिलाफ कई FIR हैं वैसे लॉज्ड। हाँ, 2-3 चल रहे हैं केस इनके ऊपर। कहाँ है ये? यही है, एक्सक्यूज मी। ये इस मासूम चेहरे के पीछे जो आदमी है, जितने कांड इन्होंने किए हैं। अरे हेलो, ये देखा है यार। वो पूछ रहे हैं FIR कितनी लॉज करोगे आप। ये कांड जो आता है सारा चक्कर। देखो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कितना पपल गए गोपी जी। अच्छा कविता, आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारे मेमोरेबल डेज थे जो बिताए थे, लेकिन गोपी जी की जो डायलॉग है, वेल जो डायलॉग है, आपकी वजह से अगर सुनना चाहेंगे। क्यों 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 ऐसा? गोपी जी का भाई जिसका काम उसको साझे, बोलेंगे मेरा डायलॉग। हाँ यही बोलेंगे, गोपी जी बोलेंगे एक अच्छा सा डायलॉग। देखिए सुंदर लड़कियाँ आई हैं आपके पार्टी में, कुछ हमारे लिए बोलिए। उन्होंने बोला कि उनकी वजह से आपकी एज कम हो जाएगी। हो गई उनको देख के जो माइक वही है जो बता चुका हूँ। कोई डायलॉग बोलिए ना अपना अच्छा सा। वेल, आप लोगों को देख के लगा मुझे बड़ा अच्छा हिस्सा। हसीना अगर मिसी रोटी है, मैं हूँ पराठा लच्छा हिस्सा। कैरी ऑन। वेरी नाइस, क्या बात है। ये झलक की देन है, तो मैं ऐसी, मेरे को कई चोटें लगी हैं, तो मैं वही सोच रही थी आज कि मैं क्या पहनूं जिससे चोटें छुपे। काफ़ी मैंने छुपा ली है, बट कुछ तो दिखाना भी चाहिए ना यार, कि लगती थी मेहनत का काम है, खेलने का आसान काम नहीं है। ये एक बहुत सुंदर लड़की है, यही इनका इंट्रोडक्शन है। इससे ज़्यादा ये बताएंगी अपने बारे में? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। He knows, he just wants you to. Actually, my family name, my home name is Zara. My name is Sasha Agha. I'm Salma Agha's daughter. मेरा birth name, मेरा family name, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे close जितने भी circle के लोग हैं, मुझे Zara बुलाते हैं. So she's one of them. So that's why she's calling me Zara. और भी इनके कई नाम हैं जो जिनसे मैं इन्हें बुलाती हूँ, वो मैं अभी सबके सामने नहीं बोल सकती. Not a good idea. Sasha, अगली फिल्म कौन सी आएगी? डिज्नी की एक फिल्म है, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट यू गेट एन अनाउंसमेंट वेरी सून। साशा, आप कुछ एनिमल्स की कोशिश कर रही थी, हमने सुना था एक, अगर कुछ बोलना चाहिए उसके लिए।
केरला में इस वक्त दे किलिंग स्ट्रे डॉग्स विच आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट. हाई कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया हुआ दैट इट्स नॉट अलाउड, यू नॉट सपोज टू किल स्ट्रे डॉग्स, बट फिर भी ऐसा किया जा रहा है. आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट दिस कॉज. नहीं ऐसा करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूअल एक्ट एंड इट्स जस्ट नॉट राइट. कविता को शामिल करिए उसमें, जरूर इफेक्ट पड़ेगा. जरूर जरूर हम मिलके जरूर कुछ ना कुछ करेंगे. एफआईआर दर्ज करेंगे, इन्होंने की है मेरे लिए एफआईआर दर्ज. थैंक यू मॉम, शी इज गुड, एवरीथिंग इज पीस, एवरीथिंग इज ग्रेट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. या वी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. थैंक यू. ऑब्वियसली गोपी जी के लिए आना ही था मुझे वैसे, और मैं पर्सनली गोपी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो अच्छे एक्टर से ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान है. वेरी वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन ही इज. मैंने काम नहीं किया है, काश मैं उनके साथ कभी काम करूं. काम नहीं किया है लेकिन हम मिलते रहते हैं बिकॉज हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो एफआरआई की टीम ही है. मिस्टर शशांक बाली डायरेक्टर और राइटर मनोज संतोषी और काफ़ी सारे आर्टिस्ट वही से है. तो हम लोग सोच रहे हैं कि गोपी जी हमारे सीरियल में आए और हंगामा मचा दे. हाँ एक्चुअली हाँ मैं FIR मतलब देखती थी हर एक किरदार के लिए. नो डाउट कविता के लिए देखती थी और मंजू जी है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे गोपी जी है. हमारे चिड़ियाघर के सेट पे उनकी एक्चुअली नकल करते थे. व्हाट इज़ द टाइम इज़ द, व्हाट इज़ द, व्हेन वी आर गोइंग होम इज़ द, और ऐसे ही चीज़ें करते थे बहुत सारी. मुझे नहीं पता 25, 26 नहीं मुझे सीरियसली नहीं पता, मुझे उनको पूछना पड़ेगा अभी कि आप कितने साल के हुए हो. थैंक यू एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मैंने जो भी शो किया है बहुत अच्छा चला है, लेकिन हाँ ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज अलग है और सब बहुत सारी चीज़ें अलग हैं. कॉमेडी है और कॉमेडी एक्चुअली करना बहुत डिफ़िकल्ट है. लोगों को हंसाना आज के डेट में बहुत मुश्किल है और वो अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाएगा हमारे डायरेक्टर शशांक बाली और राइटर मनोज संतोषी और बस जो स्टोरी राइटर है उनको जाएगा और बाकी तो टीम वर्क, इट्स कॉल्ड टीम वर्क. तो सही पकड़े हैं. थैंक यू. ओ क्या सही पकड़े हैं. थैंक यू.